हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड मोर विद शोभा। आप सभी का स्वागत है शोभा की दुनिया में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप सभी के साथ व्रत स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। ये देखिए, ये बहुत ही खिली खिली बनकर तैयार हुई है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो अगर आप भी इसी तरह से खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से टिप्स दिए हैं। आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी भी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप मुझे कुक एंड मोर विद शोभा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक खाली बाउल ले लिया है और एक कटोरी साबूदाना ले लिया है। तो सबसे पहले हम साबूदाने को भिगो लेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको दो बार साफ पानी से धो लेंगे। तो हमने पानी डाल दिया है, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़ोर से मसलना नहीं है। साबूदाने को बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको हिलाकर, और जैसे ही मिल्की सा पानी आ जाता है आप उसको स्ट्रेन कर दें और उसी तरीके से आप एक बार इसको और धो लेंगे। बिल्कुल भी आप इसको मसले नहीं, क्योंकि फिर ये स्टार्च छोड़ देता है। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हिलाकर पानी को स्ट्रेन कर देना है। अब ये हमारा साबूदाना भिगोने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें 3/4 के करीब पानी डालेंगे, जितना हमने साबूदाना लिया था। तो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, जिसमें साबूदाना बस भीग जाए, उतने ही पानी में हमें इसको भिगोना है। और लगभग 5 से 6 घंटे के लिए हमें इसको भिगोकर रख देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा साबूदाना बहुत ही सही तरीके से भीगे। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है या कम रह जाता है तो साबूदाना उतना अच्छा नहीं खिल के आता और उसकी खिचड़ी भी इतनी टेस्टी नहीं बनती। तो ये देखिए, 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और जितना भी हमने पानी में इसको भिगोया था वो अच्छे से इसने अब्सॉर्ब कर लिया है और डबल के करीब हो गया है ये। और बिल्कुल खिला हुआ ये साबूदाना, ये बहुत ही ज़रूरी है। खिचड़ी अच्छी बनाने के लिए हमें साबूदाने का भिगोना, सही से भीगना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, दानेदार साबूदाना बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल अंदर तक ये ठीक से सॉफ्ट हो गया है। तो ये अब रेडी है खिचड़ी बनाने के लिए। तो अब हम इसको ढककर रख देंगे साइड पर। और ये हमने अपने इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं वो है आलू। यहाँ पर मैंने कच्चा आलू यूज़ किया और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है ताकि वो अच्छे से जल्दी से गल जाए। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। और ये है करी पत्ता। अगर व्रत के लिए आप बना रहे हैं तो करी पत्ते को स्किप कर दें। और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च और हरी मिर्च को काट कर रख लिया है। और ये है जीरा तड़के के लिए, और साथ में हम इसमें डालेंगे नींबू। और अगर आप व्रत के लिए बनाएं तो आप इसमें सेंधा नमक ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। और सबसे पहले हम मूंगफली को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे घी में। 1 से 2 मिनट, 1.5-2 मिनट लग जाते हैं इसको। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है। और ये हमारी मूँगफली भून चुकी है। मैं इसको नॉन स्टिक में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ। और ये देखना आप, फिर भी बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमारी जो साबूदाना है वो अच्छे से हमने भीग कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जीरा और करी पत्ता डाल दिया है। अगर आपका व्रत हो, व्रत के लिए बना रहे हों, तो आप करी पत्ता बिल्कुल ना डालें। और हम यहाँ पर डाल रहे हैं लाल मिर्च कटी हुई। हरी मिर्च मैं बाद में डालूंगी, ताकि जिसको ज़्यादा मिर्च लगती है तो वो उसको निकाल कर अलग से रख सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी जो हमने आलू काट कर रखे थे। और इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमें लगातार चलाना है, क्योंकि आलू जो है वो क्रिस्पी होना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा ढककर नहीं पकाना है इसको। बस हमें इसको बस 2 मिनट के लिए ही ढकना है। अब हम इसको खोलकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे,
ताकि क्रिस्पी होने के साथ साथ वो गल भी जाए, इसलिए हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर किया था। और ये आलू भी हमारा लगभग अब रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, मैंने यहाँ पर आधी चम्मच के करीब डाला है। और हरी मिर्च भी डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी, साथ साथ आप चलाते रहें। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि पिंक कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाता है साबूदाने का। तो अगर आप नहीं भी डालना चाहते कश्मीरी मिर्च तो आप थोड़ी सी पिंच हल्दी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मूंगफली भी डाल दी है। और अब हम इसके बाद डाल देंगे साबूदाना। और अब हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है उसको मीडियम हाई पर इसको लगातार चलाना है। पहले तो आप इसको चलाते रहें, अगर आप इसको अभी स्लो कर देंगे तो ये स्टार्च छोड़ना शुरू कर देता है। तो स्टार्टिंग में आप फ्लेम को मीडियम हाई रखें। और बस 1 मिनट के मैंने इसको ढककर रखा था। और ये देखिए बिल्कुल भी ये नीचे से नहीं लगा है और बिल्कुल हमारी खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। और हमारा साबूदाना जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। और अब हम इसमें नींबू डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे हरा धनिया। एक बार इसको हिला देंगे, देखिए बिल्कुल भी ये नीचे से लगा नहीं है और हमारी खिचड़ी जो है बिल्कुल ही खिली खिली बनी है। और इसी के साथ हम इसमें लास्ट में डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च। और ये हमारी खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। अगर आपका साबूदाना बिल्कुल सही तरीके से भीगता है 5 से 6 घंटे और पानी जितना बताया है आप उतने ही पानी में भिगोएं, तो साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और ये अब बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुई है। तो अगर आप भी ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करेंगे तो साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। और आप इसको व्रत में तो खा ही सकते हैं और कभी भी आपका मन हो तो आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है, सभी को लगभग पसंद आती है ये। सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खिली खिली हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। तो आशा है आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और मैं आपके साथ इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बाय।